सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिसिन किंग में। सो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं गामा बेंजीन लोशन के बारे में। आज हम इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि आप इसका इस्तेमाल कौन कौन से पर्पज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, कितने समय तक इस्तेमाल करने पर आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्या आपकी जो खुजली है जिसको हम खाज बोलते हैं वो ठीक होगी या नहीं, वो आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आपको पूरी नॉलेज मिल पाएगी। चलेगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अनदर कंपनीज के आते हैं गामा बेंजीन लोशन, जैसे कि स्कैबोजी आता है और भी बहुत सी कंपनीज के हैं। मैं इमेजेस कुछ दे दूंगा डिस्प्ले पर। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमारे पास है स्कैप कार्ड, एक सैंपल के लिए मैं बता रहा हूँ स्कैप कार्ड। और इसका मॉलिक्यूल इस प्रकार से होता है, गामा बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड लिंडेन लोशन, और जो कि ये आता है गाइस 1% में आता है। और ये इस फार्मा को बनाती है, फार्मा कंपनी बनाती है इसको, ISO सर्टिफाई है। साथ में 90 रुपये इसका MRP है। अगर आप इस बॉटल बड़ी लेते हैं तो आपको बड़ी बॉटल के मैक्सिमम 200, अच्छी कंपनी का लेंगे तो 200 के समथिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये दो तीन प्रकार से वर्क करता है गामा बेंजीन लोशन। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो इस गामा बेंजीन लोशन को पूरी बॉडी में अप्लाई किया जाता है और ये खुजली को ठीक करने के लिए इस लोशन को बनाया गया है। इसके और भी पर्पस होते हैं। अगर आपकी पूरी बॉडी में खाज है, जिसको हम खुजली बोलते हैं, पूरी बॉडी में खुजली होती है, लाल लाल दाने आ जाते हैं, या खुजली करते करते भाई आपको खून भी आ जाता है, उन कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, अगर आपको शीत होता है, पूरी बॉडी में शीत हो जाता है, हल्के हल्के दाने धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं पूरी बॉडी में, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेन इसका काम होता है दोस्तों, आपके जो स्कैबिज होते हैं, हल्के हल्के बैक्टीरिया होते हैं बॉडी के ऊपर होते हैं, जो कि आप अगर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे हल्के हल्के बैक्टीरिया, जिसको हम स्कैबिज बोलते हैं। स्कैबिज को डेड करने के लिए गामा बेंजीन लोशन बनाया जाता है। अगर आप इसको बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके जितने भी स्कैबिज होते हैं, जो आपको रात को बहुत ज़्यादा खुजली होगी स्कैबिज की वजह से, और या फिर आपके कपड़ों में ये स्कैबिज लग जाते हैं, अगर आप कपड़े दोबारा से वही पहन लेते हैं फिर आपको खुजली स्टार्ट हो जाती है, तो उसको ये डेड करता है गाइज। किसी प्रकार के भी अगर आपकी बॉडी के ऊपर स्कैबिज होते हैं तो उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करता है। दूसरा दोस्तों, आपके अगर सिर में लाइस हैं, जुएं बोलते हैं इसको, तो उसको जुएं को मारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके सिर में बहुत ज़्यादा बालों में जुएं हो चुके हैं तो उनको डेड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके दो तीन तरह के बेनिफिट हैं जो मैंने बताए हैं कि गामा बेंजीन लोशन का आप बालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाइस को मारने के लिए। दूसरा दोस्तों, इसको खुजली में भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आपको पूरी बॉडी में शीत होती है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो तीन प्रकार से अच्छा वर्क करता है। बाकी आप अपने डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लीजिएगा इसको, अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह आप इसको इस्तेमाल ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। दूसरा दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा बच्चों से दूर रखें, क्योंकि एक तरह का ये पॉइजन होता है, क्योंकि ये स्कैबिज को डेड कर सकता है। तो दोस्तों, एक तरह का ये पॉइजन है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया है ये दवा पीने योग्य नहीं है, और यहाँ पर पॉइजन भी लिखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही आप गामा बेंजीन लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़, इसको लगाना कैसे है, आपने सुबह से नहाना है, नहाने के बाद पूरी बॉडी को सुखाने के बाद इसको गर्दन से नीचे पूरी बॉडी को ऊपर अप्लाई करना है। सेम ऐसे ही नाइट में करना है, दो टाइम करना है आपने। मैक्सिमम इसको 15 से 20 दिन तक अप्लाई करेंगे तो आपकी स्कैबिज की समस्या बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था इसका ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आपको इसकी एलर्जी या फिर किसी साइड इफ़ेक्ट देखेंगे, पूरी बॉडी में बर्न हो सकता है आपको, पूरी बॉडी में जलन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, तो इस प्रकार के नॉर्मल से गामा बेंजीन के आपको साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। सो ये था इसका रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शुरू करिएगा। धन्यवाद।